हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोना फिटनेस चैनल। हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रेगनेंसी योगा, उसका स्टैंडिंग पोज का सेकंड स्टेप है चेस्ट एक्सपेंशन पोज, मींस हस्ता उठानासना। इस पोज में आपने सीधे खड़े हो जाना है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स देना है और अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए सीधा करना है। धीरे धीरे करके इसको रेज करते हुए स्ट्रेच करें और अपने सर के ऊपर से क्रॉस करते हुए ले जाएं। कुछ देर तक के लिए अपने दोनों हाथों को होल्ड रखें और फिर ऐसे सीधा करें और फिर आराम से नीचे कर दें। फिर से अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए सीधा रखें, फिर रेस करते हुए अपने सर के क्रॉस ले जाएं। कुछ देर तक के लिए करें होल्ड, दो सांस लें और फिर सीधा करें और फिर रिलैक्स करते हुए थाइस के साथ टच कर दें। फिंगर को क्रॉस करना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं वैसे वैसे आपने कंटिन्यू करना है। तो आप ये वाला जो मीन्स आप चेस्ट एक्सपेंशन जो पॉज है उसको आप 10 to 12 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो लोअर जो आर्म रहता है हमारा, उसमें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और ये आराम से आप इसको करें तो इससे हमारा जो अपर बॉडी जो वर्कआउट जो है उसमें अच्छे से स्ट्रेच होगा और काफ़ी ये बेनिफिट देगा। तो इसको करने से हमारा जो टाइटनेस रहता है शोल्डर में, चेस्ट में, तो अपर बैक में, इसको काफ़ी करने से हमारा जो पोस्चर है वो सही हो जाता है और इसको करने से ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होती है। और ये अगर आप स्टार्टिंग में अगर नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे करें, स्ट्रेस लेते हुए नहीं करें, नहीं तो शोल्डर और चेस्ट में आपको खिंचाव आ सकता है। तो आराम से करें विद ब्रीदिंग के साथ और फिर रिलैक्स करें, जैसे कि मैंने इसमें करते हुए बताया है। आप मेरा पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने आर्म एक्सरसाइज विद डीप ब्रीदिंग के साथ करके बताया हुआ स्टैंडिंग पॉज। मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला जो था चेस्ट एक्सपेंशन पॉज, ये मेरा सेकेंड वीडियो है और आने वाले जो वीडियोज रहेंगे उसमें भी मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगी। तो आप कंटिन्यूसली अपना एक्सरसाइजेस करिए और अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए ही सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान देना है, अपने पोस्चर को जो सीधे ही खड़े रहना है और अपना जो ब्रीदिंग पे ध्यान दें और जो आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उस पर भी पूरा उस पर ध्यान करें। अगर ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग आप दोनों ही इकट्ठे करते हैं तो इससे बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम से करें और ब्रीदिंग के साथ करें, इनहेल करें एंड फिर एक्सहेल कर दें, जैसे कि स्क्रीन में मैं दिखा रही हूँ। सांस, गहरा लंबा सांस लें, होल्ड करें, रिलैक्स करें, रिलीज कर दें। तो वैसे ही आपने ये वाले जो मैंने आज का एक्सरसाइज बताया है तो आपने उसको फॉलो करना है। तो विद ब्रीदिंग के साथ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप टाइड हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लेग्स एक्सरसाइज करें और फिर थोड़ा सा नेक का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।